कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण बन रही है और इस पर फिर से युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया और कहा कि लोगों के काम भी चलते रहने चाहिए और कड़ाई भी बनी रहनी चाहिए। इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन उत्सव मनाने को भी कहा। 11 अप्रैल ज्योति फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? इस वर्चुअल बैठक में देश के कई मुख्यमंत्रियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। कोरोना को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज फिर कहा कि महाराष्ट्र को एक हफ्ते का स्टॉक चाहिए। अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 1.5 या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी स्थिति है। वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को 1.6 करोड़ वैक्सीन दी गई। पूरे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान को औसत से ज्यादा वैक्सीन दी गई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को खतरे में डाला और पर्सनल वसूली के लिए लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर से जाने दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,26,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 685 लोगों की जान गई है। देश भर में कोरोना से संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 9,10,000 से ज्यादा हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 7,437 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे के अंदर 8,938 नए कोरोना मरीज मिले हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना नेगेटिव होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उन्हें 2 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल सचिन अभी घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें कोझिकोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों ने बंधक बनाए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया गया था। रिहाई के बाद राकेश्वर का तर्रेम के 168वीं बटालियन के कैंप में मेडिकल चेकअप किया गया। सरकार की तरफ से गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों गाँव वालों की मौजूदगी में नक्सलियों ने जवान के हाथों में बंधी रस्सी को खोलकर छोड़ा। अंदरूनी क्षेत्र में जो आरक्षक राकेश्वर सिंह को सही सलामत जो रिकवर किए गए थे। राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। उनके घर में मिठाई बांट गई। ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है, मेरे को मैं बता नहीं सकती है। बीजापुर में 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में 23 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों ने भी अपने साथियों के मारे जाने की बात मानी थी। एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया था। पश्चिम बंगाल में आज शाम 5 बजे चौथे चरण का प्रचार खत्म हो गया। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें हावड़ा की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुर द्वार की 5 सीट और कूच बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण तक पश्चिम बंगाल की 91 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं।
इस बीच आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। सबसे बड़ा आरोप आज हमारे माननीय प्रदेश के सभापति माननीय दिलीप घोष जी के ऊपर जिस हिसाब से कल हमला हुआ, बहुत बुरा हमला हुआ। बगल में खड़ी रहती है राज्य पुलिस, जो केवल और केवल मुख दर्शक का रोल अदा करती है और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों ने जमकर प्रचार किया। ममता बनर्जी ने बिहला चौरस्ता की रैली में बीजेपी को दो तिहाई सीटों से चुनाव हराने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हुगली में चुनावी रैली की। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की वजह से ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा रोकने की कोशिश की। ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, माँ सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलीपुर द्वार और दिनहाटा में, जबकि अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती और बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता के कुछ इलाकों में रोड शो किया, लेकिन दोनों नेता बिहला विधानसभा क्षेत्र में रोड शो नहीं कर पाए। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.